नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UNL 8 Ball Pool में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने 8 Ball Pool की मिनी क्लिप आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिनी क्लिप आईडी का पासवर्ड चेंज करना इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आप कोई गिव अवे विन करते हो या किसी से अकाउंट परचेज करते हो, तो वो आपको प्योर मिनी क्लिप अकाउंट देते हैं, जिसका पासवर्ड चेंज करना सबको नहीं आता। कुछ प्लेयर्स के मैसेजेस आते हैं कि हमारे मिनी क्लिप आईडी का पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया, अब हम क्या करें। उनकी गलती ये थी कि उनको पासवर्ड चेंज करना नहीं आता था और उनको कंट्री लीग प्ले करनी थी, जो कि आप अकेले नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने कुछ पूल फ्रेंड्स को अपना मिनी क्लिप अकाउंट दे दिया प्ले करने के लिए। फिर किसी ने उनके मिनी क्लिप अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया और उनका अकाउंट उनके हाथ से चला गया। तो इसलिए मिनी क्लिप आईडी का पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ज़्यादातर व्यूवर्स को पता नहीं होता कि मिनी क्लिप आईडी का पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ कि आप पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हो। मेरे पास एक मिनी क्लिप अकाउंट है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये है मेरा ईमेल, देख लीजिए, underdogyt094@gmail.com। और पासवर्ड है मेरा underdogyt, मैं लिख लेता हूँ, देख लीजिए आप। अब कर लेते हैं इसे लॉगिन। देख लीजिए नाम वगैरह, यूनिक आईडी भी आपको दिखा देता हूँ। इसी अकाउंट का पासवर्ड मैं चेंज करने वाला हूँ। अब आपको लॉग आउट करके गेम को एग्जिट कर लेना है और क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर नहीं है तो आप पफिन ब्राउजर भी यूज कर सकते हो, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। अब प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ सर्च कीजिए पफिन, देख लीजिए, आप ये वाला ब्राउजर भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको पफिन एंड क्रोम इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन एप्स में डेस्कटॉप साइट इजीली ओपन हो जाती है। डेस्कटॉप साइट मतलब जैसे कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में साइट ओपन करते हो, वैसे ही क्रोम या पफिन में भी आप ओपन कर सकते हो इस ऑप्शन से। अब आपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है www.miniclip.com। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख लीजिए आप। अब आपको टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर आपने स्क्रॉल करके डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपकी साइट डेस्कटॉप वे में इजीली ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अब आपको थोड़ा जूम करना है और ताकि आपको क्लियर दिखे, और आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आपने अपना मिनी क्लिप अकाउंट डाल देना है, मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देता हूँ, देख लीजिए मेरा ईमेल ये था, और अब पासवर्ड डाल देता हूँ underdogyt, देख लीजिए आप। अब आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फिर दोस्तों, आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ 3 ऑप्शन आएंगे। आपने एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो होंगे, आपको फिर पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ अपना करंट पासवर्ड डाल लेना है। मैं डाल लेता हूँ अपना करंट पासवर्ड underdogyt।
और न्यू पासवर्ड रख लेते हैं अंडरडॉग पूल। देख लीजिए आप। कंफर्म भी हम कर लेते हैं अंडरडॉग पूल। अब आपने सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। सेव सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। चलिए अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। लॉगिन में मेरी क्लिप पे हम क्लिक कर लेंगे और हमारा जो पहले ईमेल था underdogyt094@gmail.com और हमने जो नया पासवर्ड रखा है वो है अंडरडॉग पूल। आप देख लीजिए मैं वही लिख रहा हूं। अब लॉगिन कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, लॉगिन हो चुकी है हमारी आईडी सक्सेसफुली। इसका मतलब पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। एक एक स्टेप ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने पूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।